ससुराल के मुजालिम से तंग और मजबूर ख्वातीन, यहाँ तक के बाद तलाक तक पहुँच गई हो, शोहर से हर जायज़ बात मनवानी हो या शोहर बीवी को छोड़कर चला गया हो, किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, कोई भी जायज़ हाजत पूरी करवानी हो, उसके लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सी ख्वातीन ने आजमाया और ज़िंदगी में सुकून और चैन पाया है। अमल, जिस वक्त शोहर सो रहा हो उस वक्त 21 मरतबा सूरत अल फातिहा पढ़कर शोहर के सर पर दम करें। अगर शोहर पास ना हो तो तसव्वुर में दम करें। 40 दिन ये अमल करें। अमल का वक्त रात इशा के बाद से फजर से 1 घंटा पहले तक का है। अहम नोट, इन बातों का ख़ास ख्याल रखें वरना अमल का असर नहीं होगा। नंबर 1, अमल बावजू जाए नमाज पर बैठकर करना है। नंबर 2, इस अमल में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। नंबर 3, रोज़ाना एक मुकर्रा वक्त पर ही अमल करें। नंबर 4, हर जुमेरात 21 रुपये खराद करना लाजिम है। नंबर 5, खावंद सोया हुआ हो खावंद के जागते ये अमल नहीं करना। नंबर 6, अमल करने के बाद किसी से कोई बात नहीं करनी।